अब रामायण के राम और झांसी की रानी लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। हिमाचल के मंडी से कंगना रनौत लड़ेंगी चुनाव। मेरठ से चुनाव लड़ेंगे अरुण गोविल। लेकिन कौन है सबसे ज्यादा अमीर? बीजेपी ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की अपनी पांचवी सूची जारी की है। इस लिस्ट में नाम है अरुण गोविल और कंगना रनौत का, जो मंडी और मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आज बात करेंगे कि कौन इनमें से ज्यादा अमीर है और किसके पास कितनी संपत्ति है। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को जहां यूपी में मेरठ लोकसभा की सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से मौका दिया है। दोनों ही बॉलीवुड से जुड़े हैं और इनकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। दोनों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। यहां हम जानेंगे कि आखिर इनमें से कौन सबसे ज्यादा अमीर है, किसके पास कितनी संपत्ति है। तो सबसे पहले बात करेंगे अरुण गोविल के पास कितनी संपत्ति है उससे। तो रामानंद सागर के रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। सीरियल्स के अलावा वो कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अरुण गोविल के पास करीब 38 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कोई मोई वेबसाइट के मुताबिक मौजूदा समय में अरुण गोविल एक फिल्म के लिए 50 से 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं। OMG 2 में भी नजर आए थे। OMG में स्कूल के चेयरमैन का रोल करने वाले अरुण को 50 लाख रुपए फीस मिली, जबकि इसी साल आया आर्टिकल 370 में पीएम मोदी का रोल करने के लिए अरुण गोविल को OMG से 25% ज्यादा यानी करीब 63 लाख रुपए मिले थे। रिपोर्ट्स के अनुसार अरुण गोविल की कुल नेटवर्थ की अगर बात करें तो वो कम से कम 38 करोड़ है। उन्हें लग्जरी गाड़ियों का काफी ज्यादा शौक है। उन्होंने 2022 में लगभग 60 लाख रुपए की कीमत वाली मर्सिडीज बेंज सी क्लास खरीदी थी। अरुण गोविल मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उसके बाद बात करेंगे कंगना रनौत के संपत्ति के बारे में। कंगना रनौत की बात अगर करें तो वो फिल्मों में अभिनय के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनी भी चलाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंगना रनौत की कुल संपत्ति करीब 125 करोड़ रुपए की है। कंगना रनौत हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाती है। उनकी सालाना कमाई करीब 15 करोड़ रुपए है। वो एक फिल्म के लिए 15 से 17 करोड़ रुपए चार्ज करती है। कंगना के पास विज्ञापन से भी पैसा आता है। वो एक विज्ञापन के लिए 2 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करती है। दूसरी तरफ कंगना के मुंबई में करोड़ों के मकान भी हैं। मुंबई के बांद्रा में उनके पास करीब 16 करोड़ रुपए का, मुंबई के पाली हिल में 20 करोड़ रुपए की एक 3 मंजिला इमारत और हिमाचल में उनका एक 30 करोड़ का घर भी है। उनकी गाड़ियों के कलेक्शन की बात करें तो उनके पास मर्सिडीज बेंज GLE SUV, BMW 7 सीरीज, ऑडी Q3 और मर्सिडीज मेबीच एस क्लास शामिल है। कंगना के पास हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी एक आलीशान घर है जिसकी कीमत करीब करीब 30 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा मुंबई में भी उनका 20 करोड़ का घर है, उनका एक अपार्टमेंट है। मुंबई के पाली हिल इलाके में भी ऑफिस है उनका जिसकी कीमत करीब 48 करोड़ है। तो देखा जाए तो एक चीज बहुत साफ है कि इन दोनों सेलिब्रिटीज में सबसे ज्यादा संपत्ति कंगना रनौत की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनाव में इन दोनों बॉलीवुड बैकग्राउंड के जो सेलिब्रिटीज हैं, बेटर परफॉर्म कौन करता है। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।